मुजफ्फरपुर पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, जहां उन्होंने बाबा गरीबनाथ मंदिर जाकर बाबा की पूजा अर्चना की और देश की तरक्की के लिए प्रार्थना की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को गोलबंद करने का काम किया है, जिस वजह से प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई। बिहार में जो जातीय जनगणना करवाने का काम किया गया, उसमें भाजपा ने कई बार अड़ंगा लगाने की कोशिश की। इस बात को बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है। आने वाले समय में इसका खामियाजा निश्चित रूप से भाजपा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन काफी सशक्त है, इसके माध्यम से हम लोग देश को भाजपा मुक्त करेंगे। विधान अब उनका खून लोग बदलने का बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मूल एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी RSS है, वो देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ हमेशा करती है। ये कोई पहली घटना नहीं, और लोकतंत्र पर हमला करना और इतिहास से छेड़छाड़ करना उनका काम रहा है, और इसलिए देश इस सरकार का बदलाव चाह रही है और जनता भी इसके पक्ष में है। इसलिए हम लोग को भरोसा है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से शिकस्त खाएगी और देश में इंडिया गठबंधन का जो है जीत होगी, और उसके माध्यम से हम लोग सरकार बनेंगे। मुकेश सहनी जिला जिला घूम के कसम खिलवा रहे हैं गंगा जल लेके, कि जो आरक्षण का बात करें तो अच्छा है ना, अपने लोगों को एकजुट कर रहे हैं, ये अच्छा है, इसमें कहाँ कोई बुराई है। घूमना चाहिए लोगों को, और लोगों के बीच में जाना ही तो राजनीतिक दल का काम है, और उनका अपना पार्टी है। अब संकल्प तो वो जनता को दिला रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो आज के मौके पर अच्छा नहीं लग रहा है। राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम मुजफ्फरपुर पहुंचे। राजद कार्यकर्ताओं ने ग्राम जोशी के साथ फूलमाला से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष के लिए अभिनंदन सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। वहीं सभी कार्यकर्ताओं को टास्क दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करें। आम चुनाव 2024 को देखते हुए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। इसी के तहत राजद भी चुनाव मैदान में जाने से पहले पार्टी को मजबूत कर रही है। राजद के सभी प्रकोष्ठों की लगातार बैठक हो रही है। राजद सुप्रीमो ने सभी प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने का पदाधिकारी को टास्क दिया है। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य एवं राज्य के पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आज की बैठक का मौजू है इस्तकबालिया प्रोग्राम। तो हम प्रदेश अध्यक्ष बने तो लोग जहाँ जाते हैं करते ही हमारे साथी जो हौसला अफजाई करने का काम करते हैं, लेकिन मकसद है कि हमको जो जिम्मेवारी हमारे नेता रणवीर तेजस्वी यादव ने जो दिया है, जिस भरोसे के साथ, जिस एतमाद के साथ, जिस जो है उनकी पूरी जो है जो कोशिश है, उस कोशिश के लिए एक लकीर का काम खींचने का काम मैं कर रहा हूँ तमाम जिले में। जब से मैं ये लगभग एक माह से जो है प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, वो जिला का सबसे लास्ट बॉर्डर होता है एक नंबर बूथ बगा हुआ, बेतिया हुआ, सीतामढ़ी हुआ, तमाम जगहों से लगभग दर्जनों जो है दिनों से हर जगह अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ पिछले जो कार्य गुजारी हुई उसकी समीक्षात्मक बैठक करते हैं। हमारा दल मजबूत कैसे हो, हमारा जिला लेवल पर संगठन खड़ा कैसे हो, प्रखंड तक कैसे हो, पंचायत तक कैसे हो, और तमाम विंग जो मिलकर हम लोग काम करना चाहते कि 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव में जो इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को तहस करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हम कैसे गोलबंदी करके खड़े हो। जो हमारे नेता ने 26 तारीख को जो एक पूरे महागठबंधन की बैठक की थी, और उस महागठबंधन की स्वरूप का ही इन्हें नाम रखा गया था इंडिया, वो इसका मकसद था कि हिंदुस्तान की आइन को बचाना, हिंदुस्तान के किसानों को बचाना, हिंदुस्तान के बेरोजगारों को जो दमन किया जा रहा है उसको बचाना, और जिस मासूम जो है महिलाओं को जिस तरह से तमाम जगह जो है दमन और किया जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों के सवालों को लेकर हम लड़ने का काम करेंगे। इसी के लिए हम तमाम लोग संगठित होकर संगठन को धारदार बनाकर 2024 में इनका प्रस्तावक को नाश करने की हम लोग की जो कोशिश है, उसी कोशिश में ये तमाम जो है लोग राजद परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं, और एक इस्तकबालिया प्रोग्राम के जरिया
पूरे लोगों को, अपनी आवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग मुत्तहिद हो। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उस